मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आज के डेट में बच्चों के लिए पीडीएफ लिख रहा हूँ। यस गाइस, आपने बिल्कुल सुना, पीडीएफ लिख रहा हूँ, जिन पीडीएफ्स को मैं गूगल पर रैंक कराने वाला हूँ और उनके थ्रू मैं गूगल एडसेंस से अर्न करना चाहता हूँ और तो और मैं एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ किड्स स्टोरी, देन यूएस की जगह फिलहाल मैं अभी इंडिया कर रहा हूँ। फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहूंगा और मैं यहाँ पर सर्च पे क्लिक करूंगा। जब मैं सर्च पे क्लिक करूंगा किड्स स्टोरी के नाम से, तो गाइज 9 लाख समथिंग का मंथली वॉल्यूम का सर्च है और 16,000 कीवर्ड है, 16,500 इनफैक्ट। Write a fictional story for kids. मैं यहाँ पर एक prompt देने जा रहा हूँ, बस उस prompt का ध्यान रखो, उसमें आपका first step छुपा हुआ है। सिंपल कॉपी, गाइस आप हैरान ना हो जाओ तो मुझे बताना, एंटर आपके वो स्टोरी का। अब ये आपको एक जैक बना के दिखाएगा और बिल्कुल उस पूरे सीन के साथ जिस सीन को हम यहाँ पर स्टोरी में देने वाले हैं। सो गाइस नाउ दिस इज व्हाट योर इमेज। हेलो गाइस, हाय, मैं ऋषिकेश रॉय स्वागत करता हूं आपका एक और वैल्यूएबल वीडियो में। आप लोगों को पता है ना कि मैं इस चैनल पे किस टाइप के वीडियो डालता हूं। मैं डालता हूं ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन की अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने की। मैं बिल्कुल भी उस टाइप के वीडियो नहीं बनाता जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन से अर्निंग की हो। हालांकि उसमें ऑनलाइन अर्निंग इंक्लूड होती है, बट मेरा जो मेन रोल होता है ना वो ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना होता है, जो कि मैं आप लोगों तक सिर्फ पहुंचाता हूं। मैं कभी नहीं ये मानता कि अगर आपको सिर्फ वो वीडियो दे दूं उससे ही आपका भला हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ एक्सप्लोर करता हूँ, रिसर्च करता हूँ और डिटेल में उसको आप तक पहुंचाता हूँ। बस खाली वो आप लोगों के ऊपर रह जाता है कि आप वो कितना ज्यादा यूज करके अपनी लाइफ को स्टेबल कर लोगे। और आप में से बहुत लोगों का मेरे पास मेल भी आता है, मैसेज भी आता है कि आप में से बहुत लोगों ने उसका फायदा उठाना शुरू कर दिया है। एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा दोस्त, देखो मेरे कोई भी वीडियो या पूरे यूट्यूब के अंदर कोई भी वीडियो आप उठा लो जो कि डायरेक्ट बता रहा है आप लोगों को कि ऐसे कर लो, इससे आप बहुत सारा अर्न कर सकते हो, तो आप अर्न तो कर सकते हो लेकिन तभी जब आप उस पे पूरी तरीके से अपना 100% झोंक दोगे और अपने तन मन धन से उस पे लग जाओगे। वरना सिर्फ वीडियो देखना या किसी वीडियो से मोटिवेट हो जाना और उसको पल भर के लिए सिर्फ ट्राई करना, ये बिल्कुल भी आपके लिए कहीं से कहीं लाभदायक नहीं होगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आज भी जो मैं वीडियो आप लोगों को देने वाला हूँ उसके अंदर एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है और उस अपॉर्चुनिटी की अगर मैं बात करूं तो वो आने वाले कई सालों के लिए आपके अकाउंट में पैसे की कमी नहीं होने देगा, क्योंकि वो एक नेक्स्ट लेवल काम है। अब नेक्स्ट लेवल काम का क्या मतलब है, देखो टेक्नोलॉजी दिन ब दिन चेंज हो रही है और टेक्नोलॉजी जब चेंज होती है तो उसका जो इनिशियल मूवर होता है ना, जो उस टेक्नोलॉजी को इनिशियल डेज में ही पकड़ के उस पे काम शुरू कर देता है, वो सबसे ज्यादा उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कामयाब रहता है। और मैं उस टाइप का बंदा हूं जो कि हमेशा किसी भी नई टेक्नोलॉजी को इनिशियल डेज में पकड़ने में बिलीव रखता है, बाद में तो वो कॉम्पिटेटिव हो जाता है। तो गाइस देखो अगेन, अपॉर्चुनिटी वो नहीं होती है जो आपको दिखती है, अपॉर्चुनिटी वो होती है जो आप करके साबित कर चुके होते हो कि हाँ देखो मैंने उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ा था और आज मेरे साथ ये हो रहा है, उसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी। कभी भी आप ये मत समझना कि कोई भी मोटिवेशनल वीडियो आपको मोटिवेट कर सकता है। गाइस जब तक आप खुद उसको नहीं करते हो तब तक वो मोटिवेशन नहीं आता है। तो मैं प्लीज वीडियो को आज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताऊंगा, मैं इतने बढ़िया बढ़िया रिसर्च आप लोगों के लिए कर रहा हूं, हो सके तो इसको ना अपने लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट बना लेना, अदरवाइज मेरा ये सारा मेहनत जो है ना बिल्कुल पानी फिर जाएगा। क्योंकि मैं जो भी आप लोगों को बताता हूं वो पहले रिसर्च करता हूं और उस पे जब ठोस रिपोर्ट निकल के आती है ना मेरी, तभी मैं आप लोगों को वो वीडियो देता हूं। तो आशा करता हूं कि अब मैं आपको प्रैक्टिकलिटी की तरफ ले जा सकता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आपको चीज समझ आ गई है कि कोई भी मेरी वीडियो सिर्फ देखने भर से आपको फायदा नहीं देगा, उसको करना भी पड़ेगा और तब तक करते रहना पड़ेगा जब तक कि वो आपको रिजल्ट ना दे। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, आज का सेशन क्या है मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि AI का वर्चस्व जो है मार्केट में कायम होता हुआ जा रहा है और इस लेवल पे कायम हो रहा है कि हर चीज ऑलमोस्ट जो है वो AI पे कन्वर्ट हो रही है। उसमें से एक चीज बहुत जबरदस्त तरीके से आपकी लाइफ में वैल्यू भर सकती है और वो है AI आर्ट। अगेन आई एम रिपीटिंग, AI आर्ट, जिसे आप AI इमेजेस भी कह सकते हो। गाइस इसके अंदर आपने अगर अपने आप को बर्न कर लिया, अपने आप को जला लिया ना, तो आप सोने की तरह निखर के बाहर निकलोगे, क्योंकि मैं कुछ दिनों से इस पे इतना ताबड़तोड़ रिसर्च कर रहा हूं कि गाइस इसमें मैं लिटरली कह रहा हूं सोने का खदान है। बस आपको बहुत ज्यादा डेडिकेशन और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ इसमें आना पड़ेगा। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं गाइस कि आपका आने वाला 5 साल आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट 5 साल बन सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो अपॉर्चुनिटीज है वो जस्ट अभी मैं प्रूफ करने वाला हूं और आप फैन हो जाओगे इस अपॉर्चुनिटी के। लेकिन अपॉर्चुनिटी तब तक अपॉर्चुनिटी नहीं होती जब तक कि आप उसे करके प्रूफ नहीं करते। तो चलो मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आपको कहानी समझा देता हूं। सो गाइस देखो, ये जो फोटो है आपको दिख रही है, ये फोटो मैंने AI से बनवाया है और आप देख रहे हो कि इस फोटो के अंदर कितना डिटेलिंग है और इस फोटो का इस्तेमाल मैं कहां करने वाला हूं, क्यों ये फोटो बनाया है और
इस फोटो को बनाने में कितना टाइम लगा है, कौन सा रिसोर्स लगा है, क्या क्या मेरे प्रॉम्प्ट्स रहे हैं, वो सारी चीजें आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए आप थोड़ा सा फोकस कर लो अपने आप को और समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक लड़की जो है ये बहुत उदास सी बैठी है अपने घर के बाहर, जो कि एक गांव टाइप की जगह है। आप देख रहे हो कि पीछे एक खाली लॉन है, तो ये शहर में तो नहीं मिलता इस टाइप का, और पीछे से सूरज जो है वो सनसेट की तरफ जा रहा है, मतलब वो सनसेट हो रहा है। तो ये फोटो का एक मीनिंग क्या है पता है, कि एक लड़की उदास दिखानी थी मुझे, जो कि अपने लाइफ से बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, उसके लाइफ में बहुत एक टर्बुलेंस चल रहा है, ये मुझे दिखाना था। और ये फोटो मेरे एआई ने बिल्कुल मेरे इमेजिनेशन से ऐसे निकाला और यहाँ पर मेरे स्क्रीन पे रख दिया। मैं हैरान हो गया कि अगर मुझे इस फोटो को बनाना होता ना, तो मुझे कई दिन का टाइम लगता, अगर मुझे खुद भी आता तो, और अगर मुझे किसी से करवाना होता तो शायद हफ्तों भर का टाइम लग जाता एक इमेज की। और मुझे इस तरीके की पूरी कम से कम नहीं तो 40 से 50 इमेज की जरूरत थी, और मैंने वो सारी की सारी इमेजेस जो हैं वो मैंने एआई से विद इन फ्यू मिनट्स बनवाई है। अब आते हैं मेरे उस पॉइंट पे जो कि मैं यहाँ पर प्रूव करना चाहता हूँ। मैंने ये इमेज इसलिए बनाया है क्योंकि ये इमेज मेरे एक स्टोरी का पार्ट है। वो स्टोरी क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आज के डेट में बच्चों के लिए पीडीएफ लिख रहा हूँ। यस गाइस आपने बिल्कुल सुना, पीडीएफ लिख रहा हूँ, जिन पीडीएफ्स को मैं गूगल पर रैंक कराने वाला हूँ और उनके थ्रू मैं गूगल एडसेंस से अर्न करना चाहता हूँ, और तो और मैं एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहता हूँ। ये पर्पस था, और इस पर्पस के लिए मुझे पूरे कैनवा पे इस टाइप की इमेजेस नहीं मिल रही थी। हालांकि कैनवा अपने आप में खिलाड़ी है, लेकिन उसके बाद भी मुझे नहीं मिल रहा था जो मैं इमेजिन कर रहा हूँ, और वो इमेजिनेशन मुझे यहाँ पर मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पर अपने आप को स्विच कर लिया, क्यों? क्योंकि हर चीज जो मैं सोच सकता हूँ ना ये बना पा रहा है, बस यही मेरा रीजन है। अब जल्दी से आते हैं मेरे उस अपॉर्चुनिटी पे जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो उसके लिए मैं जाऊंगा अपने कीवर्ड एक्सप्लोरर टूल पे, जो कि मेरा सेमरश का प्रो वर्जन है। इसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है, आप सेमरश प्रो को 14 डेज के लिए बिल्कुल फ्री में इस्तेमाल कर सकते हो। ये वो टूल है जो टूल आपको हेल्प करेगा गूगल के उन कीवर्ड्स को सर्च करने में जिन कीवर्ड्स पे अभी तक कोई काम नहीं कर रहा है। आप काम करना शुरू कर दो, आपको इंस्टेंट रिजल्ट के चांसेस 95% तक हाई रहते हैं, क्योंकि मैंने खुद इसको ट्राई करके देखा है। तो आप ट्राई करके जरूर देखना। अब मैं पता है यहाँ पर क्या करने वाला हूँ गाइस, आप यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ किड्स स्टोरी, देन यूएस की जगह फिलहाल मैं अभी इंडिया कर रहा हूँ। फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहूंगा, और मैं यहाँ पर सर्च पे क्लिक करूंगा। जब मैं सर्च पे क्लिक करूंगा किड्स स्टोरी के नाम से, तो गाइस 9 लाख समथिंग का मंथली वॉल्यूम का सर्च है, और 16,000 कीवर्ड है, 16,500 इनफैक्ट, और एवरेज केडी 39% का है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि मैं क्या करने जा रहा हूँ और किस चीज की अपॉर्चुनिटी मैंने ढूंढ ली है, बस आपको ढूंढनी है। धीरे धीरे आता हूँ मैं मेन पॉइंट पे, तो आपको अपना पेशेंस बना के रखना है, हालांकि मैं इंटरेस्टिंग बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो हिंदी स्टोरी फॉर किड्स, आप देख रहे हो गाइस 1,10,000 का सर्च है और 28 का कीवर्ड सर्च डिफिकल्टी है। यहाँ पर साफ लिखा है इजी, आप ऊपर पढ़ो, यू विल नीड क्वालिटी कंटेंट फोकस्ड ऑन द कीवर्ड्स इंटेंट। बस आपके पास एक क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, और जो फोकस कीवर्ड है हिंदी स्टोरी फॉर किड्स, इस पे आपको फोकस करना है अपने कंटेंट पे, आपका काम हो जाएगा। और अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं, फॉर एग्जांपल मुझे टोटल 29 डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स चाहिए, तो आप यहाँ पर देखो गाइस 1,88,000 का सर्च वॉल्यूम मंथली है और 140 कीवर्ड है। क्या क्या इसमें कीवर्ड है, सबसे पहले हिंदी स्टोरी फॉर किड्स, शॉर्ट स्टोरीज फॉर किड्स इन हिंदी, पिक्चर स्टोरी फॉर किड्स, जो कि आज का टॉपिक है, आज का मेन टॉपिक। आप में से बहुत लोग जो 90s के किड्स हैं, आप लोगों को पता होगा कि उस टाइम पे कॉमिक्स चला करते थे, हम कॉमिक्स खरीद खरीद के लाते थे, वहां पर कॉमिक्स बनते थे। मैं एग्जैक्टली उसी पे काम कर रहा हूँ, लेकिन ऑनलाइन कॉमिक्स पे, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के लिए ढूंढा जा रहा है बेड टाइम स्टोरीज फॉर किड्स इन हिंदी, मॉरल स्टोरीज फॉर किड्स इन तमिल, चलो तमिल है, और हिंदी स्टोरी बुक्स फॉर किड्स। ये सारी चीजें क्या है पता है, ये सारी चीजें वो अपॉर्चुनिटी है जो कि अब मैं यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहा हूँ एज अ काम, जो कि मुझे आने वाले कई सालों तक रिटर्न जनरेट करके देगा। तो यहां तक कहानी समझ आ गई। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, मुझे एक स्टोरी बनानी है, और वो स्टोरी मैं या तो बना सकता हूँ या फिर बनवा सकता हूँ। बना सकता हूँ अगर मुझे राइटिंग या मेरी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है, तो मैं बच्चों के लिए एक फिक्शनल स्टोरी बना सकता हूँ। लेकिन अगर आपकी स्टोरी टेलिंग उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है ना, ये चैनल, आप टेंशन क्यों ले रहे हो गाइस, मैं आपको हर एक चीज डिटेल में बताने के लिए यहाँ पर वीडियोस बनाता हूँ। इसके लिए मैं जो इस्तेमाल करूंगा गाइस, दैट विल बी माई ऑल टाइम फेवरेट चैट जीपीटी। मैं एआई पे इतना डिपेंड क्यों हूँ, क्योंकि मुझे पता है एआई ही फ्यूचर है। आप जितना मर्जी बोल दो कि नहीं ह्यूमन को रिप्लेस नहीं करेगा, ठीक है जो बोल रहे वो अपनी साइड रहे, लेकिन मैंने अपना रिसर्च कर लिया है, एआई फ्यूचर है, और मैं एआई को अपनी लाइफ का सबसे बड़ा इंटीग्रल पार्ट बनाना चाहता हूँ। जो कि आप लोगों ने देखा जरूर होगा कि मैं अपने मैक्सिमम वीडियोस में एआई का इस्तेमाल करके ही सारा काम करता हूँ। अब यहाँ पर पता है मुझे सिंपल क्या करना है, राइट अ फिक्शनल स्टोरी फॉर किड्स। मैं यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट देने जा रहा हूँ, बस उस प्रॉम्प्ट का ध्यान रखो, उसमें आपका फर्स्ट स्टेप छुपा हुआ है। अब आप बैठ जाओ गाइस, चैट जीपीटी का सारा काम होगा कि चैट जीपीटी बच्चों के लिए एक मॉरल स्टोरी वो भी बना के देगा, जैसे कि इसने काम करना स्टार्ट कर दिया है। अब देखो, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ स्मॉल विलेज नेस्टल्ड इन द हार्ट ऑफ द लार्ज ग्रीन फॉरेस्ट, इन द विलेज लिव्ड अ लिटिल बॉय नेम्ड जैक, अ काइंड हार्टेड एंड क्यूरियस चाइल्ड ऑलवेज ईगर टू एक्सप्लोर वर्ल्ड अराउंड हिम। वन
One day, while Jack was playing in the forest, he came across a beautiful flower. It was unlike any he had ever seen before. पढ़ लेना आप, ठीक है? अब पहले इसको complete होने देते हैं, उसके बाद मैं आपको next step बताऊंगा, जो कि इसका second step होगा इस particular video का. तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी skip नहीं करना है और पूरी video को देख के इस opportunity को समझ जाना है, जो कि मैं आज इस video में आप लोगों के लिए लाया हूँ. तो guys, इसने कर दी है story complete. अगर आप चाहो तो आप video को pause करो और story को पढ़ लेना. अभी मेरे पास video में पढ़ने का time नहीं है, but मैंने इसको पढ़ लिया है और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें मुझे करना क्या है. अब देखो, इसने लास्ट में मॉरल ऑफ द स्टोरी भी दिया है, जो कि द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट ब्यूटी इज नॉट जस्ट इन द अपीयरेंस. मतलब दिखावा, जो हमारा चेहरा है या फिर हम जो दिखते हैं, उसमें नहीं है ब्यूटी. ब्यूटी है कि आप काइंडनेस, आपके दिल में किसी के लिए दया कितनी है, आप कितने काइंड हो किसी के लिए, वो है रियल ब्यूटी. तो एक अच्छी बात है जो कि बच्चों को हमें बचपन में समझानी चाहिए, पढ़ानी चाहिए. तो एक फिक्शनल स्टोरी के अंदर इसको समझा दिया गया है एक बच्चे के लिए. अब खुद सोचो, जो पेरेंट अपने बच्चे के लिए स्टोरी ढूंढ रहा था, उसके लिए एक जबरदस्त स्टोरी नहीं है और आपके लिए वो एक ऑडियंस नहीं है. बस कहानी यहीं सेट हो गई. गूगल एडसेंस से भी अर्न करना सिखाऊंगा और तो और आपको ये भी सिखाऊंगा कि इसकी एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करनी है. अब आपको सिंपल पता है क्या करना है. अब ध्यान से देखो इस पे क्या लिखा है. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ स्मॉल विलेज नेस्टल्ड इन द हार्ट ऑफ अ लश ग्रीन फॉरेस्ट. इन द विलेज लिव्ड अ लिटिल बॉय नेम्ड जैक. ठीक है, तो यानी अब यहां पर आपको अपनी इमेजिनेशन में ध्यान देना है, क्योंकि आपको पूरा एक कॉमिक बुक बनाना है जिसके अंदर ये जैक बंदा रियल में आपके उस बच्चे को दिखना चाहिए, जो पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए ये वाली स्टोरी ढूंढ रहे हैं, ताकि पेरेंट्स उसको दिखा दिखा के स्टोरी को उसको सुना पाए. ध्यान से अब आपने पढ़ लिया कि जैक एक बंदा है जो कि एक ग्रीन फॉरेस्ट में रहता था और वो एक काइंड हार्टेड बच्चा था. गाइस, नेक्स्ट लेवल है. अब इस स्टोरी के ऊपर अपनी इमेजिनेशन को यूज करते हुए आपको इमेजेस बनाने हैं और उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा डिस्कॉर्ड सर्वर में जाके मिड जर्नी सर्वर का. ये एक बेटा टेक्नोलॉजी है, अभी इसका फुल फ्लेज्ड नहीं आया है, उसमें भी ये इतना जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है. आपको क्या करना है, सिंपल, आपको मिड जर्नी में जाना है, midjourney.com पे, और यहां पर अपने आपको साइन इन कर लेना है, एक अकाउंट बना लेना है, जैसे कि यहां से ज्वाइन द बेटा. जैसे आप ज्वाइन द बेटा पे क्लिक करोगे, हालांकि मेरा अकाउंट तो बना हुआ है, आपको ये सीधा डिस्कॉर्ड सर्वर में ले जाएगा और डिस्कॉर्ड सर्वर में जैसे ही आप अकाउंट बना लोगे, आपको सिर्फ मिड जर्नी को एक्सेप्ट करना है. मतलब मिड जर्नी के सर्वर में जाके आपको अपने आपको ज्वाइन कर लेना है, दैट्स इट, आपका काम हो गया. अब जैसे कि मैंने मिड जर्नी पे आपको वीडियो बना के दिखाई है, उसके अंदर मैंने चार यूज केस बताए मिड जर्नी के, जाके जरूर देखना. आई बटन पे मैं वीडियो दे दिया है. अब मुझे यहां पर कोई एक चैट रूम को करना है सिलेक्ट और आप यहां पर देख लो चैट रूम में लोग यहां पर आके इमेजेस बनवाते हैं लाइक दिस. देख लो गाइस, जैसे मान लेते हैं ये जैक है, लेकिन ये तो किसी और ने बनाया है, लेकिन मुझे अपना बनवाना है. तो इसके लिए सिंपल पता क्या करोगे, आप इस चैट बॉक्स में फॉरवर्ड स्लैश और लिखोगे IMAG, जैसे लिखोगे प्रॉम्प्ट आ जाएगा, टैब बटन को क्लिक करना है. अब आपको अपना प्रॉम्प्ट देना है. प्रॉम्प्ट क्या दोगे गाइस, प्रॉम्प्ट दोगे वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ स्मॉल विलेज, बस सिंपल कॉपी. गाइस आप हैरान ना हो जाओ तो मुझे बताना. एंटर आपके उस स्टोरी का. अब ये आपको एक जैक बना के दिखाएगा और बिल्कुल उस पूरे सीन के साथ, जिस सीन को हम यहाँ पर स्टोरी में देने वाले हैं. सो गाइस, नाउ दिस इज व्हाट योर इमेज, कैन यू सी दैट गाइस, अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं, नाउ दिस इज द इमेज. आप खुद सोचो, क्या ये इमेज आप कभी भी इलस्ट्रेटर से खुद बना सकते थे, अगर आपको नॉलेज नहीं थी इलस्ट्रेटर की, और अगर थी भी तो क्या आप इतने मिनट के अंदर, मिनट भी नहीं सेकंड्स हुए हैं, बना सकते थे? नहीं. और यहाँ पर आपको एक जैक बच्चा भी मिल गया और इसमें से कोई एक आप उठाओ, ग्रीन फॉरेस्ट भी मिल गया आपको और एक विलेज टाइप का भी लुक मिल गया, एंड योर जॉब इज दैट्स इट. गाइस अब आपको सिंपल पता है यहां पर क्या करना है, इसमें से देखना है कि कौन सा वाला वर्जन आपको इस्तेमाल करना है. फॉर एग्जांपल, जो मुझे ये अच्छा लग रहा है क्योंकि एकदम बिल्कुल रियलिटी के साथ मैच कर रहा है ये वाला इमेज, तो मैं क्या करूंगा, मैं V1 लूंगा इसका. ये है V1. अब इसने V1 पे ही मुझे और बहुत सारे ऑप्शंस देने वाला है. जैसे मेरा ये हो गया, अब ये V1 पे काम कर रहा है, तो नीचे आओ, आपका काम V1 पे स्टार्ट हो रहा है क्योंकि एक चैट बॉक्स है, बाकी लोग भी अपना इमेज बनवा रहे हैं और मेरा इमेज ये रहा. V1 पे अब ये इमेज बना रहा है, 0% ही हुआ है, अब ये इसको बना रहा है आपके लिए, सोच तो लिया है. अब ये इसके लिए देख लो 55% हो गया. अब जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप दिखाने वाला हूं, जस्ट वेट एंड वॉच. तो गाइस आपका ये वर्जन भी कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हो चाहो तो. लेट्स ओपन इट एंड आप देखो कि इसने सारा ही इस पे बना दिया जो कि हमारा V1 था जैक का. अब आपको सिंपल क्या करना है, जैसे यहां पर आए, अब आप इसका कौन सा वाला लेना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका U3 कर लेता हूं, मैं U3 मतलब ये वाला, और इसके ऊपर वेट करता हूं, मुझे U3 वाला वर्जन ये मुझे दे देगा रेजोल्यूशन बढ़ा के. ये रहा मेरा काम चल रहा है यहां पर, ये सिर्फ मैं ही देख सकता हूं, जैसे कि आप देख रहे हो मेरा काम यहां पर चल रहा है. जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको दिखा दूंगा लाइक दिस. अभी ये वेटिंग टू स्टार्ट है क्योंकि ये फाइनल टच देके बिल्कुल रियल वाला इमेज आपको दे देगा, उसके लिए वेट करते हैं.
सो गाइज नाउ माई फाइनल इमेज इज रेडी। अब मैं अगर इसका फाइनल इमेज दिखाऊं आपको, नाउ दिस इज माई फाइनल इमेज, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ इसने मुझे फर्स्ट इमेज दे दिया है, जो कि है ये वाला वंस अपॉन अ टाइम। तो यानी आपका फर्स्ट इमेज स्टोरी रेडी है लाइक दिस। इसको सिंपल आपको राइट क्लिक करना है, सेव इमेज एज करना है और इमेज को आपको अपने पास सेव कर लेना है। नाउ दिस इमेज इज योर्स, नोबडी इज गोइंग टू क्वेश्चन यू। इसको ओपन करो लाइक दिस। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूं यहां पर, क्योंकि ये एज अ पीएनजी डाउनलोड हुआ है। सो लेट्स ओपन इट फर्स्ट। सो गाइज नाउ द इमेज इज रेडी नंबर वन। अब आपको क्या करना है, सिंपल कैनवा में जाना है, ईबुक में जाना है, एक ब्लैंक सेलेक्ट करना और यहां पर जाके अपने उस इमेज को अपलोड कर देना लाइक दिस। जैसे मैं अपलोड कर दूंगा सो इट विल बी देयर लाइक दिस। कंप्लीट हो गया, इसको बड़ा करो गाइस। यहां पर सिंपल आओ, कॉपी करो, एलिमेंट्स पे जाओ, बबल पे जाओ, इंटर पे जाओ और यहां पर कॉमिक बुक की तरह अपने टेक्स्ट को लिख दो लाइक दिस। कलर को मैच करो। नाउ गाइज जस्ट ओपन इट एंड सी योर ई कॉमिक बुक। अब आपको इस टाइप के पूरे बुक को बना लेना है। यहाँ पर एड पेज करते करते हर बार जैक का नाम देना, आपको इसी टाइप का इमेज मिलने वाला है और हर बार आपको इस लाइन को यहाँ पर आपको एज अ स्टोरी बनाते हुए चलना है लाइक दिस हर पेज में। एंड योर ई बुक विल बी रेडी, जो कि आपको थाउजेंड्स में ट्रैफिक देने जा रहा है आने वाले टाइम में। बस आपको मेहनत करना है, क्योंकि इस पे मैंने आपको दिखा दिया है जो कीवर्ड डिफिकल्टी है वो बहुत कम है, सर्च वॉल्यूम हाई है और आपका काम बन गया दोस्त। तो आशा करता हूं गाइस आज का ये सेशन बहुत ही वैल्यूएबल था आप लोगों के लिए और आपने आज भी एक नया कुछ सीखा होगा जो कि आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर सच में ऐसा हुआ है ना तो मेरा आज का रिसर्च या मेरी मेहनत जो है ना वो सार्थक हो गई है। आप मुझे कमेंट में बताओ कि आप क्या सीखते हो इस चैनल से, ताकि मैं मोटिवेटेड रहा करूं। लाइक करना मत भूलना, ऐसे अगर आप वीडियोस चाहते हो कंटिन्यूअसली तो आपको मुझे मोटिवेट रखना पड़ेगा। बाकी चैनल पे अगर नए थे सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ, क्योंकि ऐसे वीडियोस में आप लोगों को कंटिन्यूअसली इस चैनल पे देता रहता हूं। बाकी मिलते हैं मेरे एक और नए रिसर्च पे आने वाले वीडियो में, तब तक गाइस इजाजत दीजिए, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय।